Hello everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain how to store the data frames data to the CSV file. हमारा जो comma separated value file होता है, ठीक है, तो अगर हमें हमारा existing data frame हमारे पास ready है, ठीक है, अगर उसकी value को हमें CSV file में में transfer करना है, ठीक है, convert करना है, तो how can we do that? तो हमारे पास एक to CSV करके एक function होता है जिसकी मदद से हम हमारे data जो हमारे data frame का data होता है उसे CSV file के अंदर हम easily स्टोर कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे उसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि हमारे टू सी एस वी फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है. तो डेटा फ्रेम का नाम डॉट एक्सटेंशन, हमारा जो डॉट वैल्यू है, पीरियड जो ऑपरेटर है वो यूज़ करना है. नाउ हमारा टू सी एस वी फंक्शन का नेम लिखना है और पैरेंथेसिस के अंदर हमें फुल पाथ नेम, यानी हमारे पर्टिकुलर डिवाइस पे हमें जहाँ पे हमारे डेटा फ्रेम को एज अ सी एस वी फाइल हमें जहाँ पे स्टोर करना है उसका पाथ नेम हमें यहाँ पे देना होता है, फुल पाथ नेम. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और सिंटैक्स है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि df.toCSV हमारे फंक्शन का नेम. फिर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में तो हमने जैसे कि देखा प्रीवियस सिंटैक्स में हमें यहाँ पे फुल पाथ नेम हमारे डिवाइस का देना होता है. इसके अलावा हमारे पास एक सेपरेटर हमारे सेपरेटर नाम का भी एक आर्ग्यूमेंट है. कॉमा के थ्रू हमें सेपरेट करके यहाँ पे हमें उस सेपरेटर कैरेक्टर को पास करना है. जैसे कि हम सबको पता है कि सीएसवी फाइल का जो क्रिएट होती है उसमें सेपरेटर एज अ कॉमा यूज़ होता है. ठीक है, अगर आपको कॉमा की जगह कोई अनदर स्पेशल कैरेक्टर आपको वहाँ पर यूज़ करना है, सपोज़ आपको एक ब्लैंक स्पेस देना है या हैशटैग देना है या सेमीकॉलन देना है या कॉलन साइन देना है या पाइपलाइन देनी है स्ट्रेट, आपको जो भी स्पेशल कैरेक्टर आपको आपके सीएसवी फाइल में एज अ सेपरेटर सेट करना है, आप सेप नाम के आर्ग्यूमेंट को यूज़ करके उसकी वैल्यू को यहाँ पे आप असाइन करके उसके सेपरेटर को बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू को चेंज कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे आप लिखा हुआ है द सेपरेटर कैरेक्टर मस्ट बी अ वन कैरेक्टर स्ट्रिंग ऑनली. यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि सेपरेटर का जो कैरेक्टर है आप टू कैरेक्टर्स का नहीं दे सकते, इट मस्ट बी अ वन कैरेक्टर. ठीक है, चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे देखते हैं कि DF7 हमारा जो डेटा फ्रेम हमारे पास यहाँ पे एक रेडी है जिसमें हमारे पास फोर रोज़ है, 0, 1, 2, 3, इस तरह से फोर रोज़ हैं, उसके अंदर थ्री कॉलम्स हैं, रोल नंबर, नेम एंड सरनेम. ठीक है, अब इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम को हमारे लोकल मशीन पर हमारे पीसी डिवाइस में हमें एक प्लेस पर स्टोर करना है एज अ सीएसवी फाइल. तो हमने देखा कि हमारे पास एक फंक्शन है टू सीएसवी, तो हमारे डेटा फ्रेम का नाम DF7 है, तो DF7.toCSV हमने फंक्शन का नेम लिखा और हमारा जो पैरामीटर है, जो हमारा पैरेंथेसिस हमारा ब्रैकेट है, उसके अंदर हमने हमारे फाइल का फुल पाथ नेम यहाँ पे असाइन किया. सो हमने यहाँ पे सी ड्राइव में डेटा नाम के फोल्डर के अंदर new.csv नाम का एक फाइल रेडी किया है, रेडी करेंगे, जिसके अंदर हमारा जो ये DF7 डेटा फ्रेम है वो हमारा स्टोर हो जाएगा, सेव हो जाएगा, यानी हमारे डेटा फ्रेम का जो डेटा है एज अ csv फाइल वहाँ पे न्यू नाम के फाइल से वो सेव हो जाएगी. आप देख सकते हो कि हमारा ये देखो यहाँ पे न्यू नाम की एक फ़ाइल जनरेट हो गई. आप सबको पता है कि हमारा जो सीएसवी फाइल है दो फॉर्मेट में होता है, या तो हम उसे नोटपैड में क्रिएट कर सकते हैं या तो हम उसे एक्सेल शीट में क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है ना, तो ये हमारा जो डेटा फ्रेम है वो नोटपैड में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. आप देख सकते हो कि हमारा जो फर्स्ट कॉलम नेम था वो हमारा फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हमारा यहाँ बन गया, कन्वर्ट हो गया, और जो हमारे रिमेनिंग फोर हमारे जो डेटा फ्रेम की एक्चुअल वैल्यूज़ थी वो उस तरह से आप देख सकते हो कि फोर रोज़ यहाँ पे कॉमा सेपरेटर के थ्रू यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा कैरेक्टर है सेपरेटर कैरेक्टर जो है कॉमा वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर यूज़ करके हमारी एक सीएसवी फाइल रेडी हो गई. तो इस तरह से हम टू सीएसवी फंक्शन के थ्रू हमारे डेटा फ्रेम को ईजिली सीएसवी फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब हमारे पास एक और एग्जांपल है कि हमारा जो ये न्यू नाम का हमने जो सीएसवी फाइल बनाया इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सेपरेटर कॉमा आया है. सपोज़ हमारा जो सेकंड सिंटैक्स था उसमें हम सेपरेटर हमारे जो बाय डिफ़ॉल्ट है उससे हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे उसके सेकंड आर्ग्यूमेंट को यूज़ करना है जो कि ऑप्शनल था. ठीक है, तो आप यहाँ पे एज अ सेपरेटर आपको यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन
यूज़ करनी है, तो आप कैसे करोगे? तो हमने यहाँ पे अगेन df7 डेटा फ्रेम का नाम, .2csv फंक्शन का नेम, उसके पैरामीटर के अंदर फुल पाथ नेम हमने यहाँ असाइन कर दिया। यहाँ हमने फाइल का नेम चेंज किया है, न्यू से न्यू टू कर दिया है, ठीक है। न्यू डेटा न्यू csv फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं इसलिए विद अ डिफरेंट सेपरेटर, ठीक है। अब यहाँ पे सेपरेटर में मुझे ये स्ट्रेट लाइन पाइपलाइन चाहिए, तो सेप इज इक्वल टू, जैसे कि हमारे इंस्ट्रक्शन में हमें दिया हुआ है, मैंने वो सिंगल कैरेक्टर हमने इंस्ट्रक्शन में देख लिया था कि इट मस्ट बी अ सेपरेटर ऑफ अ वन सिंगल कैरेक्टर, तो हमने यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर हमने यहाँ पे पास कर दिया डबल इन्वर्टेड में। आप देख सकते हो कि न्यू टू डॉट सी एस वी फाइल हमारी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पे जो सेपरेटर है, यहाँ पे आपको ये पाइपलाइन यहाँ पे एज अ पाइप दिखाई दे रही है, तो वो चेंज हुई है, मॉडिफाई हुई है, जो हमने उसका सेकंड आर्गुमेंट था वो हमने यहाँ पे चेंज किया है बाय डिफ़ॉल्ट कॉमा से, ठीक है। तो इस तरह से हम हमारे किसी भी डेटा फ्रेम को यहाँ पे csv फाइल में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर आपको उसके सेपरेटर को चेंज करना है तो scp सेप नाम का ऑप्शनल आर्गुमेंट भी आपको वहाँ पे कॉमा वैल्यू के बाद, आपको सेपरेटर के बाद पास करना होगा, ठीक है। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, हम देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 8, हमारे यहाँ पे ऑल df नाम का एक हमारे पास डेटा फ्रेम है, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे जोन ए से लेके जोन एफ तक हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं और नेम प्रोडक्ट टारगेट एंड सेल्स नाम का हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स है। अब इसी पूरे डेटा फ्रेम को हमें csv फाइल में यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सपोर्ट द कंटेंट ऑफ द डेटा फ्रेम टू द csv फाइल, इसके जो डेटा फ्रेम के कंटेंट है इसको आपको एक्सपोर्ट करना है या फिर ट्रांसफ़र करना है csv फाइल में। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे जो कोडिंग है, हम देखेंगे सेम, ये देखिए इम्पोर्ट पांडास एस पी डी, हमने हमारा पैकेज इम्पोर्ट किया, डेटा फ्रेम हमने ऑल डी एफ को क्रिएट और लोड करने की कोडिंग आपको यहाँ पे खुद लिखनी है, ठीक है। सपोज़ आपका डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया है तो यहाँ पे एक कमेंट लाइन है राइटिंग टू अ csv फाइल, यहाँ हम csv फाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे वो लाइन में क्रिएट की है उसका नेम डॉट सेपरेटर, हमने यहाँ पे हमारा जो स्पेशल कैरेक्टर है वो यूज़ किया, और टू csv हमारा फंक्शन का नेम है एक्सपोर्ट करने के लिए वो हमने यूज़ किया, और उसके आर्ग्यूमेंट में फुल पाथ नेम हमें जहाँ पे ये csv फाइल को सेव करना है सी नाम के ड्राइव में py पाई वर्क नाम का हमारा एक फोल्डर है उसके अंदर हमने ऑल csv फाइल का नेम हमने ऑल असाइन किया है। डॉट csv एक्सटेंशन आपको देना है यहाँ पे कंपलसरी है, जब आप उस फाइल को वहाँ पे उस पर्टिकुलर पाथ पे जाके ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे नोटपैड में इस तरह की फाइल यहाँ पे आपको ओपन हुई दिखाई देगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सबसे पहले हमारे यहाँ कॉलम का नेम आया है, जितने भी नंबर ऑफ रोज थे हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ रोज वन बाय वन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि जो हमारी नॉन नैन वैल्यूज़ थी, हमारे यहाँ पे डेटा फ्रेम में आप देख सकते हो कि नैन वैल्यूज़ थी, है ना, तो नैन वैल्यूज़ में यहाँ पे आपको नथिंग विल बी अ शोन हियर, ठीक है ना। कॉमा सेपरेटर यहाँ पे आपको दिख रहा है पर उसकी जगह पे जो वैल्यूज़ है वो वहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, नैन वैल्यू को वहाँ पे ब्लैंक रखता है पर कॉमा सेपरेटर तो नेक्स्ट वैल्यू के लिए वो यहाँ पे एंटर तो करता ही है csv फाइल में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि csv फाइल क्रिएट हो गई है, इसमें जितनी भी नॉन नैन वैल्यूज़ हैं और नैन वैल्यूज़ है सारी यहाँ पे डेटा फ्रेम की यहाँ पे नोटपैड फाइल में एज अ csv फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब आप देखो कि यहाँ पे हमें सेम डेटा फ्रेम को यूज़ करना है, बस हमें इंस्ट्रक्शन में बोला गया है कि विथ अ सेपरेटर कैरेक्टर पाइप, पाइप आपको वहाँ पे सेपरेटर में पाइप कैरेक्टर को यूज़ करना है, तो हमने सेम कोडिंग को यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है, जस्ट कॉमा सेपरेटर को यूज़ करके सेप नाम का आर्ग्यूमेंट लिया है और उसके अंदर एक सिंगल कैरेक्टर असाइन किया हमने, डबल कोट सिंगल कोट आप किसी में भी असाइन कर सकते हो। अगर आप जाके ऑल एन जो हमने न्यू फाइल नेम यहाँ पे दिया है, अब वो एग्जांपल में हमने ऑल नाम का फाइल का नेम हमने ऑल दिया था, ठीक है ना। अब इस फाइल को अगर आप ओपन करके देखते हो तो सेपरेटर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको पाइपलाइन देखने को मिल रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारे पास जो हमारा डेटा फ्रेम था उसके अंदर आप देख सकते हो कि नैन वैल्यूज़ थी, है ना, नॉट अ नंबर, यानी वहाँ पे वैल्यूज़ नहीं होती हैं तो हमें नहीं पता होती है तो हम नैन लिख देते हैं, नॉट अ नंबर लिख देते हैं। तो इन नैन वैल्यूज़ को अगर आपको हैंडल करना है तो आप किस तरह से करोगे, तो सपोज़ आपका जो df7 नाम का आपके पास एक जो डेटा फ्रेम था उसकी वैल्यूज़ में जो नेम नाम के कॉलम में जो हमारी थर्ड रो की नेम नाम का
कॉलम है उसकी वैल्यू को यहाँ पे नैन किया गया है, यानी मीन्स उसकी वैल्यू को यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है नैन से, एन पी डॉट नैन से। और यहाँ पे लोकेशन फंक्शन की मदद से यहाँ पे हमने ज़ीरो जो हमारा फर्स्ट रो है उसके सरनेम वाले कॉलम को भी हमने नैन नेम से रिप्लेस किया है, ठीक है। तो आप डी एफ सेवन को अगर आप देखोगे तो फर्स्ट रो का सरनेम और हमारा जो थर्ड रो है उसका नेम नाम का जो कॉलम था उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे मॉडिफाई की जो अबव कोडिंग में, वो आपको यहाँ पे डेटा फ्रेम अपडेटेड दिख रहा है, ठीक है। नाउ आप देखो आपको यहाँ पे एक सीएसवी फाइल क्रिएट करने के लिए कहा गया है, उसमें सेपरेटर आपने सेम DF7 को पाइप से यूज़ किया, इस तरह से आपकी सीएसवी फाइल क्रिएट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नैन जो वैल्यूज़ थी, नैन वैल्यूज़ आर स्टोर्ड एज अ एम्प्टी स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं चाहिए, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा, अगर नैन नाम की वैल्यू होती है तो वहाँ पर वो ब्लैंक स्ट्रिंग रखता है, ठीक है, पर सेपरेटर तो वहाँ होता ही है। लेकिन आपको वो नैन वैल्यूज़ को कुछ न्यू वैल्यूज से ओवरराइड करवाना है तो आप क्या करोगे, आपके पास एक अनदर आर्ग्यूमेंट है जिसका नेम है NA_REP, ठीक है ना। तो इस आर्ग्यूमेंट को यूज़ करके आप उसकी वैल्यू को, जो भी एम्प्टी स्ट्रिंग को, नैन वैल्यूज़ को आपको जिससे रिप्लेस करना है, बाय डिफ़ॉल्ट तो एम्प्टी स्ट्रिंग रहता है, आपको जिस भी कैरेक्टर से स्ट्रिंग से रिप्लेस करना है वो स्ट्रिंग आप यहाँ पे उसको असाइन करो NA_REP को, REP आर्ग्यूमेंट को, और उस वैल्यू से आप अगर देखोगे तो जिस तरह से हमें यहाँ पे हमारे कोडिंग में दिखा हुआ है, हमने सेपरेटर भी चेंज किया एज वेल एज़ हमने उसकी नल वैल्यूज़ को भी चेंज किया। आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ पे नैन वैल्यूज़ थी वहाँ वहाँ आपको नल वैल्यू सेपरेटर के साथ दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, नोट दैट द फंक्शन रीड CA_CSV इज़ अ पांडास फंक्शन, कैरफुली रीड इट्स सिंटैक्स एंड टू CSV इज अ डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर फंक्शन, कैरफुली रीड इट्स सिंटैक्स, ठीक है। जो रीड CSV है हमारा पांडास का फंक्शन है, और टू CSV जो है हमारे डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर का एक फंक्शन है, ये आपको डिफरेंटिएट रखना है, ठीक है ना। नाउ आप यहाँ पे देखो उसका जो फुल, हमने जितनी भी चीज़ें हमने टू CSV फंक्शन के रिलेटेड सीखी उसका फुल सिंटैक्स आपको यहाँ पे दिया है। सबसे पहले डेटा फ्रेम का नेम जिसको आपको कन्वर्ट करना है, डॉट सेपरेटर, देन टू CSV हमारे फंक्शन का नेम, फुल पाथ नेम, फिर हमारा सेकेंड आर्ग्यूमेंट, तो अगर आपको उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉमा सेपरेटर है उसको चेंज करना है तो सेप नाम का आर्ग्यूमेंट, उसकी सिंगल कैरेक्टर की वैल्यू आपको असाइन करनी है। अगेन हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है नल वैल्यूज, नैन वैल्यूज़ को हैंडलिंग करने के लिए NA_REP के लिए, तो वो NA_REP नाम के आर्ग्यूमेंट में आप जो भी वैल्यू स्ट्रिंग से आपको उसको रिप्लेस करना है सिंगल या डबल कोट में, आप यहाँ पे उसको असाइन करोगे। तो दिस इज़ द फुल सिंटैक्स ऑफ अ टू CSV फंक्शन। तो हमने यहाँ पे अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमारा जो एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम है उसको किस तरह से CSV फाइल में एक्सपोर्ट करना है, कन्वर्ट करना है, वो टू CSV फंक्शन से हमने यहाँ पे सीख लिया है, ठीक है। हमारे पास एक एग्जांपल है इसके रिलेटेड जो सारे फंक्शनैलिटीज़ को कवर करता है, सारे आर्ग्यूमेंट्स को कवर करता है। हमारे इस चैप्टर में एग्जांपल नंबर 8 और 9 में हमने जो CSV फाइल रेडी की है वो विदाउट नैन वैल्यूज थी, ठीक है ना। तो राइट द प्रोग्राम टू स्टोर द डेटा ऑल DF डेटा फ्रेम इन अ CSV फाइल अलॉन्ग विद द नैन वैल्यू स्टोर्ड एज अ नल एंड सेपरेटर एज अ टाइल। हमारे पास एक टाइल नाम का एक ऑपरेटर है, ठीक है ना, उसे हमें हमारे एक सेपरेटर है और जो हमारा नैन वैल्यूज है उसको हमें नल से रिप्लेस करना है, और बाय डिफॉल्ट जो सेपरेटर है उसे हमें टाइल नाम का जो हमारा सेपरेटर है वो उससे हमें यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पे जो हमारा टू CSV है पांडास का पार्ट है, तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट पांडास किया। नाउ उसका डेटा फ्रेम ऑल DF के क्रिएट एंड लोड करने की सिंटैक्स हमने यहाँ पे लिखे, हम कोडिंग लिखेंगे, और यहाँ कमेंट सेक्शन में दिया है कि यहाँ पे हम CSV फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ऑल DF हमारे डेटा फ्रेम का नेम, टू CSV हमारे फंक्शन का नेम, उसका फुल पाथ नेम, और सेपरेटर में हमने यहाँ पे टाइप जो हमारा सेपरेटर है हमने यहाँ पे उससे बाय डिफॉल्ट वैल्यू को रिप्लेस किया, NA_REP जो हमारा नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है नैन वैल्यूज़ को हैंडलिंग करने के लिए, हमने नल जो हमारे इंस्ट्रक्शन में दिया है नल वैल्यू से हमें उसे रिप्लेस करना है। तो आप देख सकते हो कि आपका जो ऑल N1 जो हमारा CSV फाइल क्रिएट होगा उसके अंदर सारी चीज़ें यहाँ पे
अब देख सकते हो कि सेपरेटर भी यहाँ पे डिफरेंट सेट हुआ है और साथ ही साथ जितने भी नल वैल्यूज़ थे, ठीक है, सॉरी नैन वैल्यूज़ थे, एन यू डबल एन नल जो हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में ऑप्शन जो स्ट्रिंग पास की है उससे यहाँ पे ये रिप्लेस हो गए हैं. सी द क्रिएटेड सी एस वी फाइल स्टोर्स द वैल्यूज विद अ डैट सेपरेटर एंड ऑल द नैन वैल्यूज एज अ नल. सो दिस इज अवर कॉन्सेप्ट ऑफ अ टू सी एस वी फाइल टू एक्सपोर्ट द डेटा फ्रेम इन टू अ सी एस वी फाइल. तो इस तरह से हम हमारे जो नैन वैल्यूज़ हैं उसको हम यहाँ पे एन ए अंडरस्कोर रैप नाम के आर्ग्यूमेंट से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो नाउ इफ़ यू स्टोर द डेटा फ्रेम सी एस वी फाइल बाई द फॉलोइंग, आपका जो ये डेटा फ्रेम है डी एफ फाइल, ठीक है, उसके अंदर नैन वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और उसका सेपरेटर आप इस तरह से यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर हमारा इस तरह से ब्लैंक जो वैल्यूज़ आती है उसको हमने कैसे चेंज करना है वो हमने यहाँ पे सीख लिया है, ठीक है. तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.